राहुल की राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में एंट्री, सैकड़ों लोग राहुल के साथ। आज सुबह फरीदाबाद से मधवपुर बॉर्डर के जरिए दिल्ली पहुंची यात्रा, राहुल ने किया लोगों को संबोधित। राहुल के साथ चल रही भीड़ के हाथों में बैनर्स, झंडे, पोस्टर्स, तिरंगे को साथ लेकर चल रहे हैं। आईटीओ की तरफ आगे बढ़ रहे यात्रा, आज लाल किले पर खत्म होगी यात्रा। यात्रा में राहुल का दिखा अनोखा अंदाज, एक बच्चे को कंधे पर उठाया। राहुल की यात्रा को देखकर लोगों में जोश भी दिख रहा, कई जगहों पर लोक कलाकारों का जमावड़ा लगा। यात्रा के स्वागत के लिए राजस्थान से भी कलाकार आए, नाच गाकर बढ़ा रहे हैं हौसला। राहुल ने दिल्ली में लोगों को किया संबोधित, कहा मिनी हिंदुस्तान है ये यात्रा, नफरत पर होगी प्यार की जीत। हिंदुस्तान का हर आम किसान, हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में मौजूद तमाम नेता भी पहुंच रहे हैं, यात्रा के पूरे रूट पर लोग हो रहे हैं जमा। कोविड प्रोटोकॉल के बीच में कांग्रेस ने सभी लोगों से की यात्रा में मास्क पहनकर आने की अपील। भारत जोड़ो यात्रा में आज करीब 40,000 लोगों की जुटने की उम्मीद, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। मधवपुर बॉर्डर से मथुरा रोड होते हुए सुबह 10:30 बजे आश्रम पहुंचेगी यात्रा, आश्रम पर कुछ देर विश्राम का प्लान। आश्रम से निजामुद्दीन होते हुए जाकिर हुसैन मार्ग और इंडिया गेट से गुजरेगा राहुल का काफिला। आईटीओ और दिल्ली ग्रैंड से दरियागंज होते हुए लाल किले तक पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा के जरिए कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, बड़ी तादाद में लोगों के जुटने की आशंका। मधवपुर बॉर्डर से लाल किले तक जाएगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काफिला, 23 किलोमीटर का यह सफर। शाम 4:30 बजे लाल किले पर खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा और इसके बाद बापू को नमन करने के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ राजघाट जाएंगे राहुल गांधी। 107 दिन में 3,000 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल ने समान विचारधारा वाले दलों को साथ आने की अपील की। दोपहर 3 बजे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कमल हासन और भी कई बड़ी हस्तियों के पहुंचने की उम्मीद। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारी भीड़ उमड़ने की संभावना, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आसपास की सड़कों और मुख्य मार्ग से बचकर निकलने की अपील। कल फरीदाबाद में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी को लेकर सरकार पर कसा तंज। राहुल गांधी ने कहा कि जहां से गुजरती है भारत जोड़ो यात्रा, सिर्फ वहीं पर है कोरोना का खतरा। मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड। मुझे बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है बीजेपी, अब नहीं रुकेगी कांग्रेस की आंधी। 3 जनवरी को गाजियाबाद के रास्ते यूपी में दाखिल होंगे राहुल गांधी, 3 शहरों से होकर गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा। यूपी में राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे प्रियंका गांधी वाड्रा, इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रियंका ने की है पद यात्रा। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश और मायावती समेत सभी विपक्षी दलों से की गई है अपील। अब तक 9 राज्यों के 40 जिलों से होकर गुजरी है भारत जोड़ो यात्रा, कुल 12 राज्यों में है राहुल के पद यात्रा का प्लान। कन्याकुमारी से शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, श्रीनगर होगा अंतिम पड़ाव। कोरोना के खतरे पर केंद्र सरकार अलर्ट, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हेल्थ मिनिस्टर मांडविय की बैठक। राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की सलाह, केंद्र के साथ मिलकर कोरोना से जंग लड़ने की बात कही। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन पर मंत्री मांडविया का जोर, राज्यों से सतर्कता बढ़ाने के निर्देश। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग के साथ की बैठक, बोले कोरोना से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट, सार्वजनिक जगहों पर बढ़ाई गई निगरानी। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 27 दिसंबर तक कोरोना नियंत्रण को लेकर मॉकड्रिल होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, घबराने की जरूरत नहीं, सावधान रहने की आवश्यकता। मध्य प्रदेश में कोरोना के खतरे को लेकर सख्त है इंदौर के अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग। कोरोना के मद्देनजर नोएडा में भी प्रशासन सतर्क, अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के सख्त निर्देश दिए गए।
शिमला में बूस्टर डोज अभियान शुरू, 6 दिन तक लगाई जाएगी वैक्सीन। सतारा में बीजेपी विधायक जय कुमार गोरे की कार का हादसा, पुल का किनारा तोड़कर नदी में जा गिरा। विधायक गोरे मुंबई से जा रहे थे घर, विधायक को इलाज के लिए पुणे लाया गया। केरल में 8 सबरीमाला भक्तों की हादसे में मौत, पलट गई थी कार। कुमिली के पास में हादसा हुआ, बच्चों समेत कई लोग घायल हैं। छत्तीसगढ़ के करबदा में बड़ा हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत। सिक्किम के जेम्बा में भीषण सड़क हादसा, 3 जेसीओ समेत 16 जवानों की जान गई। मोड़ पर सेना के काफिले की गाड़ी पलटने से हादसा, छट्टन से थांगू की ओर जा रही थी कार। 4 घायल सैनिकों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया, सेना ने तुरंत शुरू किया था रेस्क्यू ऑपरेशन। 16 जवानों की मौत पर संवेदना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृहमंत्री ने शोक जताया। राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, शहीदों की आत्मा को शांति दे ईश्वर। केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में एक बार फिर बढ़ी तकरार, एलजी को लिखी चिट्ठी में सिसोदिया ने लगाए बड़े आरोप। सिसोदिया ने एलजी को पत्र में लिखा कि आप मंत्रियों से अलग सीधे अधिकारियों से बात करते, उनको आदेश देते हैं। जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा की बड़ी साजिश का खुलासा, आतंकियों के निशाने पर स्थानीय नेता, पूर्व सैनिक, गैर कश्मीरी और सरकारी गाड़ी। खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट, लश्कर के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों का नापाक मिशन में किया जा सकता है शामिल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर श्रद्धा के पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार, करीब 30 मिनट तक चली मुलाकात। उदयपुर में कन्हैया लाल मर्डर केस में एनआईए की चार्जशीट में बेटे ने उठाए सवाल, कहा 6 महीने में दाखिल हुई चार्जशीट, आखिर न्याय कब मिलेगा। कन्हैया लाल के बेटे यश देली ने एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की, कहा आरोपियों को मिले सजाए मौत। कन्हैया मर्डर केस को लेकर अर्जुन मीणा का बयान, बोले पाकिस्तान के साथ मिलकर माहौल बिगाड़ना चाहती है देश विरोधी ताकतें। महाराष्ट्र में शिवसेना को बड़ा झटका, संजय राउत के कट्टर समर्थक माने जाने वाले भाऊ साहेब चौधरी ने थामा शिंदे गुट का। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी चला बुलडोजर, उधम सिंह नगर में स्मैक तस्कर बलदेव सिंह के अवैध ढांचे को उठाया गया। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में महिला कर्मचारी के घर पर छापा, 5 लाख में हुआ था सौदा, कैश के साथ महिला गिरफ्तार। एसएससी एग्जाम के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन पर उमड़ी छात्रों की भीड़, रेल प्रशासन पर बद इंतजामी के आरोप। करौली में 5 साल की बच्ची से हैवानियत के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाए उम्र कैद की सजा, 1.25 लाख का जुर्माना। अलीगढ़ की दुकान में कॉफी मशीन में धमाका, 5 लोग घायल। गाजियाबाद में 7 महीने पहले लापता महिला को लेकर बड़ा खुलासा, लिव इन पार्टनर ने मर्डर कर दिया था। 19 मई को शिमला में कर दी गई थी महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, निशानदेही पर शव भी बरामद। मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती फरार, लड़की के परिवार वालों ने लड़की के पिता को कचहरी में पीटा। बिहार के मोतिहारी में जिमनी ब्लास्ट, 7 मजदूरों की मौत, कई लोग घायल। अमेरिका में मेक्सिको यूएस बॉर्डर पार करते हुए एक भारतीय युवक की मौत, गुजरात के गांधीनगर का रहने वाला था युवक, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक घर में ब्लास्ट में घायल 2 बच्चों की हालत गंभीर है। कानपुर में 2 मंजिला इमारत ढहने से हड़कंप, 1 शख्स घायल। असम के कोकराझार में सड़क किनारे पिस्तौल मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में 19 दिसंबर को सड़क हादसे में घायल युवती की मौत, लापरवाही के आरोप में गाड़ी चला रहे दोस्त पर केस दर्ज। सड़क पर खड़े ट्रक से चार टकराई कार, युवती के साथ कार में सवार थे 2 युवक, दोनों की हालत गंभीर। इंदौर में नाइजीरियन युवक गिरफ्तार, दवा के डील के नाम पर लगाया था 24 लाख का चूना। अमृतसर में एनकाउंटर में घायल हुआ एक गैंगस्टर, कारोबारी से मांगी थी 20 लाख रुपए की रंगदारी। हैदराबाद में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में एक्शन, 4 लोग गिरफ्तार। बरेली में 2 सिपाहियों और कंडक्टर ने मिलकर मजदूर को चलती बस से फेंका, सिगरेट पीने पर हुआ था झगड़ा। बरेली में एक स्कूल में दुआ पढ़ाने वाला शिक्षक गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड किया गया था। जंग का अखाड़ा बना मथुरा के बांके बिहारी मंदिर, श्रद्धालुओं के साथ सुरक्षाकर्मियों ने मारपीट की, वीडियो वायरल। कन्नूर में क्रिसमस की तैयारी, कोविड प्रोटोकॉल का रखा जा रहा है ध्यान। उदयपुर में क्रिसमस की तैयारी, लेक सिटी में सज धज के होटल्स तैयार।
कर्नाटक के मैंगलुरु में क्रिसमस का जोश, सड़कों पर सजावट, सैलानियों का आना। भुवनेश्वर में चर्च में सजावट की गई, क्रिसमस को लेकर उत्साह। हिमाचल में शिमला, सोलन से लेकर चैल और कसौली तक में सैलानियों की भरमार, क्रिसमस के मौके पर जुटे सैलानी। देशभर में नए साल के जश्न की तैयारी, असम के बोगाई गांव में पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज किया। असम के डिब्रूगढ़ में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, त्योहार के चलते कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन का आदेश। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में क्रिसमस के लिए सजे बाजार, सेंटा क्लॉज से लेकर क्रिसमस ट्री तक खरीद रहे हैं। गोवा में भी बाजारों में बड़ी भीड़, क्रिसमस के लिए खरीदारी करते हुए लोग दिखाई दिए। हिमाचल के चंबा में नए साल के जश्न मनाने के लिए उमड़े पर्यटक, डलहौजी में भारी भीड़।